गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और आज हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर नंबर है 14। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। जैसा कि अब तक जो पिछले वीडियोज है उनमें हमने देखा कि नंबर सिस्टम वगैरह देखा था, उससे पहले जो वीडियोज थे हमारे उसमें हमने देखा था कि सी के अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इस तरीके की चीज़ें हमने देखी थी। तो लेटेस्ट जो हमारा कम्प्लीट हुआ था क्या होता, नंबर सिस्टम वगैरह या सब्ट्रैक्शन वगैरह जो हमारा कम्प्लीट हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका मेन मोटिव जो होता है वो कि किस तरीके से हम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती है। और सबसे बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम देखते हैं हमारे आज के टाइम पे, जो हायर लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है, कभी कभी लो लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है, मिडिल यानी कि उसको हम कई बार मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, वो है सी लैंग्वेज। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो सी लैंग्वेज के थ्रू बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है। तो अभी तो हमने कंप्यूटर के अंदर काम आने वाली चीज़ों को देखा, अब हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये हमेशा लाइफ टाइम तक मतलब एक यूज़फुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं और उनमें आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो आज हम केवल इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर जो टोकन्स वगैरह क्या होते हैं और जो डेटा टाइप्स वगैरह कौन कौन से, इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग इज ए जनरल पर्पज प्रोसीड्रल इम्परेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक जनरल पर्पज यानी कि हमेशा किसी भी पर्पज के लिए इसको यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, किसी भी काम में उसको ले सकते हैं। प्रोसीड्रल, प्रोसीड्रल का मतलब क्या होता है, एक इसका फिक्स प्रोसीड्रल होता है यानी कि टॉप टू डाउन की तरफ अप्रोच करती है, एक एक सिक्वेंसली चलती है ये। तो ये एक प्रोसीड्रल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डेवलप्ड हुई थी 1972 में बाय डेनिस रिची के द्वारा, यानी कि डेनिस रिची ने इसको बनाया था। और कहाँ बनाया था, बेल टेक्नोलॉजी, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज जो अमेरिका में है वहाँ पे इसको बनाया गया था। और किस लिए बनाया था इसको, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको आपने देखा होगा, जिसको हम लाइनक्स भी कहते हैं कई बार, है ना, उसको बनाने के लिए इसको यूज़ में लिया गया था, इसको इसका इन्वेंट किया गया था। सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर लैंग्वेज, ये जो है आजकल कंप्यूटर मतलब ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे जीनस पावर है हमारे जयपुर में, तो हमारे जो मीटर्स वगैरह होते हैं बिजली के मीटर्स आप सब लोगों ने देखे ही हैं, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी सी और सी प्लस प्लस के अंदर ही होती है। उन मीटर्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, उनके ड्राइवर्स जो होते हैं, उनके हार्डवेयर, उसकी प्रोग्रामिंग भी सी प्लस प्लस में ही होती है। ये किस तरीके की है कि इसका जो पॉपुलरिटी लेवल है हमेशा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन जनरली क्या होते हैं नंबर एक नंबर दो के आसपास ही रहती है, यानी कि इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है जावा प्रोग्रामिंग के साथ। और ये क्या है, आजकल जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी है और .NET वगैरह है, उनके साथ इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आ गई, यानी कि आप देखेंगे कि 1972 में बनी थी और आज 2020 चल रहा है, और बावजूद भी आज हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, यानी कि इस लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी कम नहीं होती है। ये हमेशा सीखने के पर्पज़ से या फिर और इम्प्लीमेंटेशन के पर्पज़ से ये बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है। अगर आप जैसे देखोगे कि अगर सिक्योरिटी के लिए सर्वर वगैरह जो हम बनाते हैं, हमारे जो सर्वर वगैरह होते हैं, जो कॉलेज में सर्वर होता है, कंपनी में सर्वर होते हैं, तो जनरली आप देखोगे जो उनके अंदर सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डाला जाता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है सर्वर के लिए, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एज कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, वो काफ़ी सिक्योर होता है। और सिक्योर क्यों होता है, क्योंकि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, उसकी जो कोडिंग होती है वो सी लैंग्वेज के अंदर बनी गई है, और सी लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको ब्रेक करना जो हैकर्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हार्ड पड़ता है, काफ़ी कठिन होता है। तो ये तो हुआ सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि सी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला हम देखेंगे तो टोकन्स, टोकन्स क्या होता है, इसी प्रोग्राम कंसिस्ट वेरियस टोकन्स एंड ए टोकन इज आइदर ए कीवर्ड, एन आइडेंटिफायर एंड ए कॉन्स्टेंट, ए स्ट्रिंग लेटर और सिंबल। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सी कैंसर टोकन, प्रिंट ऑफ, हेलो वर्ल्ड और स्लेशन, ये सेमी कॉन, यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर जैसे हम कोई भी कीवर्ड हो, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ये प्रिंट ऑफ वगैरह कीवर्ड है,
ये सॉरी द फंक्शन है, तो कोई कीवर्ड जैसे इंटीजर काम में ले लिया, वॉइड काम में हमने ले लिया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, टोकन्स कहलाते हैं, जो वर्ड्स होते हैं कि जिनको हम फिक्स होते हैं, जिनको जैसे इसको अगर इसको हम तोड़ेंगे बाद में अलग अलग करेंगे तो किस तरीके से अलग किया जा सकता है, तो स्ट्रिंग लिटरल उनको अलग करेंगे, सेमी कॉलन को अलग करेगा, कॉन्स्टेंट कोई वेरिएबल वगैरह होगा उसको अलग करेगा, कोई भी जो आइडेंटिफायर यानी कि जो वेरिएबल का नाम होगा उसको अलग कर लेगा, कीवर्ड कोई होगा तो उसको अलग कर लेगा, फंक्शन का कोई नाम होगा तो अलग कर लेगा, जैसे ये फंक्शन का नाम है तो इसको अलग कर लिया, तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी चलती हैं। तो ये तो होते हैं टोकन्स। फिर क्या आते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन होता क्या है, जब ये जो साइन होता है ये वाला कीबोर्ड के अंदर ये जो साइन होता है, दो साइन होते हैं आप देखेंगे, एक तो ये वाला साइन होता है इसको तो हम बोलते हैं कॉलन, और एक होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। जैसे सेमी कॉलन जो होता है ये जनरली सी में टर्मिनेटिंग सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग सिंबल। इन सी प्रोग्राम द सेमी कॉलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी कि स्टेटमेंट जो होता है उसको ख़त्म करने का। दैट इज ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमी कॉलन, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी। यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक लाइन है हमारी इस प्रोग्राम की, इसी प्रोग्राम की प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, पूरी लाइन यहाँ पे लिखी है और एंड में देखेंगे आप सेमी कॉलन लग रहा है यहाँ पे, ये जो एंड में लग रहा है सेमी कॉलन लग रहा है यहाँ पे बीच में, तो ये सेमी कॉलन होता है। जैसे यहाँ पे रिटर्न के बाद फिर मैंने यहाँ सेमी कॉलन लगा रखा है, तो ये एक लाइन को टर्मिनेट होने का हमको सिंबल देता है कि ये यहाँ पे लाइन टर्मिनेट हो चुकी है और इसके बाद दूसरी लाइन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो सी के जो सेमी कॉलन है उसको एक तरीके से टर्मिनेटिंग सिंबल भी हम कहते हैं। जब भी ये जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे वो लाइन टर्मिनेट मानी जाती है, फिनिश मानी जाती है। अब बात करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए कमेंट इज ए प्रोग्रामर रीडेबल एक्सप्लेनेशन एनोटेशन इन द सोर्स कोड ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कमेंट्स आर स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाई कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखो ये तो था लिखा हुआ, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है कमेंट होता क्या है। अगर मुझे किसी को बताना, सपोज मैंने आज कोई प्रोग्राम बनाया और मैंने उसको किसी नाम से सेव नहीं किया, अब जैसे आप आओगे नेक्स्ट डे कोई मेरी जगह आता है उसको ओपन करता है उस प्रोग्राम को, अब उस पूरे जैसे कि माना कि 100 लाइन का कोड का प्रोग्राम, अब उस 100 लाइन के कोड में कहाँ एडिशन का कोड है, कहाँ सब्ट्रैक्शन का कोड है, कहाँ पे किसी फंक्शन से जो फैक्टोरियल वगैरह निकालना चाहें, नंबरों को स्वैप करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उसका कोड कहाँ है और ये प्रोग्राम खुद किस काम कर रहा है, कौन सी लाइन किस काम आ रही है, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, हमें उसके बारे में वहाँ पर लिख देना चाहिए कि ये जो ब्लॉक आ रहा है आगे वाला जो ब्लॉक आ रहा है वो इस प्रोग्राम ये इस पार्ट को सॉल्व करेगा, एडिशन को करेगा, सब्ट्रैक्शन को करेगा, या फिर ये प्रोग्राम इस चीज़ के काम आ रहा है, या फिर ये लाइन इस चीज़ के काम आएगी। इस तरीके से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको कमेंट करना पड़ेगा यानी कि लिखना पड़ेगा। पर अगर हम जब उसको रन करवाएंगे तो जब रन करवाते हैं तो फिर वो जो जो भी लाइनें हमने लिखी वो तो उसको भी रीड करेगा, और अगर उनको रीड करेगा तो वहाँ तो एरर आएगी, क्योंकि जो हम कमेंट लिखना चाहते हैं हम जनरली हमारी उस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं ताकि वो सामने वाले को समझ में आ सके, हमें समझ में आ सके बाद में कभी हम प्रोग्राम को देखें तो। लेकिन वो लाइन कंप्यूटर कंपाइलर तो रीड नहीं कर सकता, उसके लिए तो यूज़लेस है वो लाइनें, तो क्या करते हैं उनको हम कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने से क्या होगा कि कंपाइलर जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो भी होगा वो अब उन लाइनों को रीड नहीं करेगा। तो एक जो अच्छी प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका होता है, जो बेस्ट प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है, जो अच्छा एक प्रोग्रामर होता है वो हमेशा अपने प्रोग्राम्स को कमेंट के साथ लिखते हुए चलता है। हम भी जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हम लाइनों के साथ कमेंट को रखें, किसी लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड के साथ कमेंट को हम रखें, यूज़ करते हुए चले। अब जब हमने देख लिया कि कमेंट होता है क्या है, तो हम देखते हैं कि कमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, उसके लिए हम ये वाला सिंबल काम में लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला सिंबल काम में लेते हैं, ऐसे दो टेढ़े वाले पाइपलाइंस जिन्हें होते हैं उनको हम काम में लेते हैं टेढ़े वाले। तो उसके बाद जैसे कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है तो इस लाइन को अब कंपाइलर रीड नहीं करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन का कमेंट होगा, यानी कि यहाँ से और यहीं तक, यानी सीधी लाइन में आप जितना लिख सकते हो वही लाइन उस कमेंट में आएगी। अब बात करते हैं दूसरा मल्टी लाइन, अगर हमें मल्टीपल लाइंस को अगर हमें कमेंट बनाना है, मतलब हमें बहुत कुछ कहानी लिखनी है तो मल्टीपल लाइन करनी पड़ेगी, और मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है तो हम ये वाले सिंबल काम में लेते हैं, ये स्टार्टिंग को दिखाता है स्टार के साथ और ये इसकी एंडिंग को दिखाता है। होता क्या है, जैसे मुझे ये पूरा ब्लॉक है मेरे को इसको कमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऐसे लगा दूँगा
और यहाँ पे ये लगा दूँगा। तो अब कंपाइलर इस पूरे जो दो लाइन है, एक ये जो दो ढाई लाइन है, इनको बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा, बिल्कुल भी इनकी तरफ नहीं देखेगा। और हम इसको जब भी प्रोग्राम ओपन करेंगे तो हमको वहाँ पे मिलेगी, हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो कंपाइलर उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, उसको नहीं रीड करेगा। तो ये होते हैं कमेंट्स। और कमेंट्स हमें मतलब बहुत यूजफुल चीज़ है ये, हमें इससे आसानी से समझ में आ जाता है कि ये प्रोग्राम करना क्या चाहता है। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडेंटिफायर होता क्या है? इसी आइडेंटिफायर इज ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई, जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिफायर, यानी कि जो आइडेंटिफाई करने के, यानी कि जो पहचान करने के काम में आता है। आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के काम आए, यानी कि किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के काम आए। यानी कि वही वेरिएबल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएबल क्या है? अगर अगर मैं आपके एग्जांपल पे दूँ, तो अगर आप जैसे क्लास में 50-60 बच्चे बैठे हैं, अब मैं क्लास में आता हूँ, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई यू? एक तो आपको मैं देख पा रहा हूँ कि आप, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ बाई फेस, लेकिन अगर मैं नहीं जानता हूँ, नए नए आप आए हैं और मैं भी नया हूँ, आपको नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट निकालूंगा, लिस्ट में से नाम बोलूँगा, और जो नाम बोलूँगा, जिसका जो नाम होगा वो खड़ा होता जाएगा। तो क्या होगा कि जो नाम है वो आपका आइडेंटिफायर है। तो ऐसे ही हम सी जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको नेम देते हैं, उनको नेम देते हैं, जो नेम जो हम बनाते हैं, नेमिंग रूल्स जो हम बनाते हैं, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। अब वही नाम उन वेरिएबल्स को, उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के काम आएगा, या उनको पहचान करने के काम आएगा कि ये कौन सा वेरिएबल है और हमें इसको किस काम के लिए मैंने इसको बनाया था। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिफायर कैसे होता है, क्या होता है? एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद लेटर ए टू जेड, यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हो सकते हैं, ए टू जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक हो सकते हैं, और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर जो होता है, एक तो होता है माइनस वाला, एक होता है अंडरस्कोर, यानी लाइन के नीचे होता है। तो ये दो साइन होते हैं, अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है, और उसको फॉलोड बाई कर सकते हैं, यानी कि 0 से 9 तक की डिजिट भी उसके अंदर हो सकती है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये है स्टार्ट होने वाले, कि हम ए टू जेड, हम कैपिटल ए से जेड तक भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल ए से जेड तक भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, और अंडरस्कोर से भी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की बात है, कि कभी भी हम जो वेरिएबल्स के नाम हैं या जो आइडेंटिफायर्स हैं, उनको कभी भी हम डिजिट से स्टार नहीं कर सकते। जैसे मैं ये नहीं लिख सकता 1 KD, मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ। हाँ, मैं ये लिख सकता हूँ KD1, तो ये सही है बट ये गलत है। तो कभी भी हम क्या करेंगे कि हम जो है डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और देखते हैं, सी डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज, यानी कि एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, इस तरीके का कोई भी कैरेक्टर हम यूज में नहीं ले सकते हैं। केवल और केवल अंडरस्कोर ही हम काम में ले सकते हैं, बाकी कोई भी आप इस तरीके की चीज़ काम में नहीं ले सकते हैं। अब सी जो लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि हम जो केस होता है, यानी कि अपर केस और लोअर केस, आपने अल्फ़ाबेट्स के बारे में सुना है, आप जानते हैं कि अपर केस क्या होते हैं, यानी कि जो बड़ी ABCD होती है ए टू जेड, और लोअर केस क्या होता है, यानी कि छोटी ABCD जो होती है ए टू जेड, यानी कि छोटे वाले में, तो अपर केस और लोअर केस। तो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि कोई अक्षर, जैसे मैंने ए लिखा है, तो ये और ये इसी लैंग्वेज के लिए दोनों डिफरेंट है। यानी कि अगर मैंने एक आइडेंटिफायर का नाम ये रखा और एक आइडेंटिफायर का नाम ये रखा, तो ये दोनों डिफरेंट है। हाँ, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ऐसे सेम नेमिंग हो तो हम नहीं देंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये और ये हम डिफरेंट कहलाते हैं, इसलिए हम दे सकते। जैसे कि यहाँ मेरे एग्जांपल में देखूंगा, तो यहाँ पे SDIT का ये S बड़ा है और इस SDIT में ये S छोटा है, तो ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ को अपने पास रख सकते हैं, ये डिफरेंट आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि जो वैलिड नेम है, जो वैलिड हो सकते हैं, जैसे ये वैलिड है, जो जारा, ABC, मूव, अंडरस्कोर नेम, A_123, MyName50, _temp, J सिंगल एक अक्षर में भी दे सकते हैं, A23B9, इस तरीके में भी दे सकते हैं, ये भी हम दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं इस तरीके से नहीं दे सकता 1A 2B, इस तरीके के मैं नेमिंग नहीं दे सकता हूँ। दूसरा एक चीज़ और, कि यहाँ नाम में कभी भी जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनके नेम में कभी भी स्पेस नहीं आती, यानी कि जैसे
मैं अगर अपना नाम, अगर मैं अपने नाम को एक आइडेंटिफायर बनाना चाहूँ तो मैं ये यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं दे सकता, मुझे इसको साथ में कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, तो ये गलत होगा और ये नीचे वाला सही होगा। तो हम इस तरीके से नेमिंग करते वक्त स्पेस नहीं दे सकते हैं, वेरिएबल के नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता। हाँ, अगर मुझे उनको जोड़ना है तो मैं इस तरीके से ज़रूर उसको जोड़ सकता हूँ, तो फिर ये ठीक कहलाएगा, ठीक है। तो आप उसको अंडरस्कोर से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन आप स्पेस देके उसको नहीं बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से वेरिएबल की नेमिंग की जाती है। तो ये आइडेंटिफायर या फिर नेमिंग रूल्स, अब आपसे क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं, जैसे अगर एग्ज़ाम में आ जाएगी वेरिएबल नेमिंग रूल्स लिख लिए, तो वेरिएबल नेमिंग रूल्स भी यही कहलाएंगे जो आइडेंटिफायर के नेमिंग, क्योंकि मैंने जैसे आप ऊपर पहली लाइन में देख सकते हैं क्या होता है, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम काम में लेते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या है, उनका नेमिंग रूल ही है। तो अगर ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स को आप लिखिए, तो आप आराम से वेरिएबल नेमिंग रूल्स को लिख सकते हैं, यही चीज़ उसके अंदर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिफायर का नेमिंग रूल लिखिए, तब भी आपको सेम चीज़ लिखनी है, यानी कि अब डिफरेंट दोनों क्वेश्चंस का ये सेम आंसर होगा। तो अब अगर जो भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यही देना है, नेमिंग रूल्स में आपको यही लिखना है कि ए टू जेड कैपिटल ए से जेड हो सकता है, ए से स्मॉल ए से जेड हो सकता है, अंडरस्कोर्स के नेम के अंदर हो सकता है, 0 to 9 तक की डिजिट्स हो सकती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आ सकती है, पहला अक्षर स्पेस उसके अंदर नहीं हो सकता है, और यहाँ पे क्योंकि केस सेंसिटिव है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ और कुछ एग्जांपल वहाँ पे देके आप इस तरीके से जो वेरिएबल नेमिंग के रूल है या आइडेंटिफायर नेमिंग के रूल है उनको आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व मतलब जैसे हमारे कोई भी चीज़ को हम रिज़र्व कर लें, यानी कि पहले से कि हाँ भाई ये तो फिक्स है, आप इसको काम में नहीं ले सकते, ये अब हमारी है। तो ऐसे ही जो कंपाइलर होता है सी का, जो प्रोग्रामिंग जो टूल्स होते हैं, उन्होंने अपने 32 यानी कि 32 जो वर्ड्स हैं, जो भी जैसे अभी नाम हमने बनाए थे अभी पिछले जो इस स्लाइड के अंदर के आइडेंटिफायर्स के अंदर, तो ऐसे 32 आइडेंटिफायर्स मान लीजिए आप, जिनको इसने पहले से फिक्स कर रखा है कंपाइलर ने कि इन्हें कोई भी प्रोग्रामर एज ए आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकता है, उसे कीवर्ड कहते हैं। तो ऐसे 32 होते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं कंपाइलर के थ्रू, जिन्हें यूजर एज ए आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकता है। तो यानी कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का नाम ये भी नहीं रख सकते हैं, तो ये कोई से भी नाम हम वेरिएबल का नहीं रख सकते। तो 32 कीवर्ड होते हैं, ऑटो है, एनम है, रिटर्न है, अनसाइंड है, कंटिन्यू है, इफ है, स्ट्रक्ट है, एल्स है, रजिस्टर है, यूनियन, कॉन्स्टेंट, गो टू, स्टेटिक, डबल, लॉन्ग, टाइप डेफ, कैरेक्टर, फोर, साइज ऑफ, वाइल, स्विच, केस, फ्लोट, साइंड, वॉलेटाइल, डू, ब्रेक, एक्सटर्न, शॉर्ट, वॉइड, डिफ़ॉल्ट और इंटीजर। इस तरीके से ये हमारे 32 कीवर्ड्स हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने कुछ को बोल्ड कर रखा है और कुछ को तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, किस किस को कर रखा है, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, ये तीन हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। कभी कभी ये चौथा भी होता है, वैसे बेसिकली तीन हैं। तो तीन हैं, इनको तो हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, यानी कि तीन जो हम वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करेंगे आगे, जो हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो पूरी इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा ये तीन तो हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बोल्ड और अंडरलाइन किया है। उसके अलावा मैंने कुछ को सिर्फ बोल्ड किया है, इफ़ है, वाइल है, डू है, फोर है, एल्स है, स्विच है, केस है, ये भी हम जनरली ज़्यादातर काम में लेते रहते हैं। जो बाकी के हैं उनको हम इतना काम में नहीं लेते। तो आपको इन जो जितने भी मैंने बोल्ड किए इनको तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। अगर आप 32 के नाम याद नहीं भी रख पाएँ तो एटलीस्ट आपको ये जो जितने भी मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हैं इनको आपको याद रखना ही रखना है, ताकि आपको आगे जो प्रोग्रामिंग करने में उसमें आपको आसानी हो। तो ये 32 कीवर्ड हमने देखे कि किस तरीके से कीवर्ड जो हैं वो वर्क करते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, जैसा कि इसका नाम है डेटा और टाइप,
कि डेटा का टाइप क्या होगा। अब डेटा क्या होता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी जो क्या बोलते हैं हम उसको, वैल्यू बोलते हैं, कोई भी इनपुट जो हम देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसका टाइप क्या होगा, यानी कि किस तरीके की वह वैल्यू स्टोर कर सकता है और उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितनी जगह चाहिए होगी, ये डेटा टाइप ही डिसाइड करता है। अगर जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो जैसे मेरे को वैल्यू देनी है किसी की, किसी को वैल्यू देनी है कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की फ़िक्स वैल्यूज मुझे देनी है। अगर फिक्स वैल्यूज मुझे देनी है तो इस तरीके की वैल्यूज देने के लिए हम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। अब उसकी साइज होती है 2 बाइट, जनरली 2 बाइट का मतलब अगर हम बिट में कन्वर्ट करेंगे, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो कितना होगा 16 बिट, यानी कि 16 बिट में मुझे एक इस तरीके की जगह वहाँ पे चाहिए होगी जिसमें उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप इन सी रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। द टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इन इंटरप्टेड। इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर declarations फॉर वेरिएबल्स that determines the size, type and size of data associated with variable, यानी कि किस टाइप का डेटा आएगा, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, या फिर कैरेक्टर आएगा, या फिर कितनी साइज वो लेगा, वो सारा डिफाइन कौन करता है, डेटा टाइप डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मुझे अगर मुझे डिक्लेयर करना है किसी डेटा टाइप को, जैसे मैंने यहाँ डिक्लेयर कर रखा है int my variable, अब यहाँ पे ये int है यानी कि इंटीजर है, इसका मतलब क्या है इंटीजर, तो ये तो क्या है डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो है ये आइडेंटिफायर होता है यानी कि वेरिएबल का नाम है, ये तो आइडेंटिफायर है और ये क्या है डेटा टाइप होता है। तो आइडेंटिफायर जब डेटा टाइप के साथ लग गया तो क्या हो गया, ये वेरिएबल कहलाने लग जाता है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, तो ये वेरिएबल कहलाता है। हम आगे देखेंगे इसको, नेक्स्ट जो वीडियोज़ हमारा बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे इसको कि क्या होता है वेरिएबल। अभी जो शॉर्ट के लिए मैं बता दूं कि जब ये डेटा टाइप इसके आगे लग जाता है तो ये वेरिएबल कहलाने लग जाता है, उसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर तो क्या है डेटा टाइप है कि किस तरीके की वैल्यू लेगा, इसकी साइज़ कितनी है, 4 बाइट भी हो सकती है, और जनरली आज के कंपाइलर हैं वो क्या 32 बिट्स के कंपाइलर आते हैं, इसलिए वो 4 बाइट्स तक ले लेते हैं, या 64 बिट के आते हैं तो 4 बाइट तक के ले लेते हैं, नहीं तो जनरली इसकी जो साइज़ होती है वो 2 बाइट्स होती है इंटीजर की। 2 बाइट का मतलब यानी कि 16 बिट की इसकी साइज़ होती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि क्या होता है डेटा टाइप। अब देखते हैं कि डेटा टाइप के टाइप क्या होते हैं, इसमें भी टाइप होते हैं कि 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी डेटा टाइप जिसको कभी कभी हम बेसिक डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा टाइप जिन्हें ड्राइव्ड डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। इन्हें ड्राइव्ड डेटा टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी डेटा टाइप से ही ड्राइव होके आते हैं, यानी कि इनमें जो शुरुआत में जो नाम होता है, जो टाइप होता है, वो प्राइमरी का ही लगता है, लेकिन इनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, इसलिए इनको ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कहते हैं, या सेकेंडरी टाइप भी हम कह सकते हैं। तो पहले जो सेकेंडरी वाले जो हैं इनको तो हम क्या है बाद के बहुत काफ़ी बाद के वीडियोस में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, अभी केवल थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन जो मैंने बोला वही है, बाकी अभी प्राइमरी डेटा टाइप्स उनको हम देखते हैं कि क्या होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप्स है वो जनरली ये होते हैं, और भी हैं मैंने, पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो काम के हैं उन्हीं को मैंने लिया है। तो इंटीजर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले स्लाइड में बताया था। इंटीजर क्या होता है कि ये 1, 2, 3 इस तरीके की फिक्स वैल्यूज़ को रखता है, जनरली 2 बाइट का होता है और 4 बाइट का भी हो सकता है, पर 2 बाइट का तो होता ही होता है, पर 4 का भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आजकल 64 बिट के प्रोसेसर वगैरह आते हैं तो कुछ कंपाइलर सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। कैरेक्टर होता है ये 1 बाइट का होता है यानी कि 8 बिट का होता है। फ्लोट होता है ये 4 बाइट का होता है यानी कि 8 चौक 32 बिट की ये वैल्यूज़ ले सकता है। डबल जो होता है वो 8 बाइट का होता है। शॉर्ट इंटीजर होता है ये 2 बाइट का होता है। अनसाइड इंटीजर जो होता है ये भी 2 या 4 बाइट का हो सकता है। लॉन्ग इंटीजर होता है ये फ्लोट के बराबर वैल्यू होता है यानी कि ये 4 का भी हो सकता है और 8 का भी। और लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर जो होता है वो 8 बिट का होता है, 8 बाइट का होता है। अब यहाँ पे मैंने साइड में एक टेबल बना रखी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर करके कुछ लिख रखा है, वैसे इसको हम बाद में देखेंगे जब हम इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, जब हम इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे तब हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं कि किस तरीके की वैल्यू कंपाइलर ले सकता है वो हमें वहाँ पे इनपुट में देना पड़ता है कि किस तरीके की वैल्यू ले सकता है। तो जब
और जिस तरीके की जो हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है उसके लिए उसी तरीके का फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना पड़ता है। कि अगर मुझे कीबोर्ड से इंटीजर टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कर इनपुट लेना है तो मुझे परसेंटेज डी उसके साथ काम में लेना ही पड़ेगा। कैरेक्टर के लिए मुझे परसेंटेज सी काम में लेना पड़ेगा, फ्लोट के लिए एफ, डबल के लिए एल एफ लेना पड़ेगा, शॉर्ट इंटीजर के लिए एच डी लेना पड़ेगा, अनसाइंड के लिए यू लेना पड़ता है परसेंटेज, और लॉन्ग इंटीजर के लिए एल डी लेना पड़ता है, और लॉन्ग लॉन्ग के लिए डबल एल डी काम में लेना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं कि किस तरीके के डेटा को किस तरीके से हम इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं, तो किस तरीके का परफॉर्म होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हमारा आता है। अब है डेटा टाइप्स सेकेंडरी टाइप का, तो सेकेंडरी टाइप या फिर ड्राइव डेटा टाइप, तो इनको डेटा टाइप दैट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल डेटा टाइप, यानी कि जो पीछे वाले डेटा टाइप थे प्राइमरी वाले, जो उनसे अगर जो ड्राइव्ड होके आते हैं वो ड्राइव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। यानी कि एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या होगा, एरे है, पॉइंटर है, फंक्शंस के टाइप हैं, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इस तरीके के जो होते हैं वो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं जो प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं इनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता दूँ, वैसे डिटेल में देखेंगे, इंट ये ए और ये मैंने 10 इस तरीके से डिक्लेयर किया, ये एक एरे का डिक्लेरेशन कहलाता है। यहाँ पर ये जैसे कि मैंने पहले बता दिया क्या होगा, डेटा टाइप होगा, ये आइडेंटिफायर होगा, इसका नाम होगा वेरिएबल का, और ये उस वेरिएबल की साइज है, यानी कि इस तरीके की इंटीजर टाइप की 10 वैल्यूज ये एक साथ ले सकता है। तो ये सेकेंडरी डेटा टाइप के अंदर आता है। तो अभी अब अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपके समझ में आए, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग क्लासेज हैं, तो इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये सेकेंडरी डेटा टाइप्स या एरे वगैरह जो होते हैं कैसे काम करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि सी लैंग्वेज जो होती है उसको किसका इन्वेंट किया था, क्यों इन्वेंट किया था, किसने किया था, डेनिस रिची ने किया था, क्यों किया था, उसको यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए इसको इन्वेंट किया गया था। उसके बाद से अब तक इसको यूज में ले रहे हैं, 1972 में इसको बनाया गया था। इसके अंदर टोकन्स होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, जिनको भी हम अलग अलग कर सकें, जैसे वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग्स हैं, सेमी कॉलन है, इनको जिनको भी हम अलग अलग कर सकें वो टोकन्स कहलाते हैं। फिर हमारे जो आए थे जिनको हम क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन है, कि सेमी कॉलन क्या होता है, सेमी कॉलन टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट होता है लाइन का किसी को भी। उसके बाद होता है कमेंट, होता है कमेंट जो किसी भी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए हम जो लाइंस लिखते हैं वो कमेंट्स कहलाती हैं। दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन होता है जो एक लाइन के अंदर टर्मिनेट हो जाता है, और मल्टी लाइन होता है जो मल्टी लाइंस के लिए यूज में आता है। फिर आता है आइडेंटिफायर्स, यानी कि वेरिएबल या फंक्शंस के जो नाम है हम किस तरीके से देते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे हम कर सकते हैं। तो फिर आइडेंटिफायर आता है, फिर कीबोर्ड्स आते हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जिनको एज ए आइडेंटिफायर हम काम में नहीं ले सकते हैं, ये 32 टाइप्स के होते हैं। फिर उसका डेटा टाइप्स आता है, दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा टाइप, यानी कि प्राइमरी जो बेसिक डेटा टाइप होता है जो इंटीजर्स कैरेक्टर फ्लोट वगैरह इसके अंदर आते हैं, और सेकेंडरी जिसमें एरे वगैरह आते हैं। ये हमारा यहाँ तक जो आज का टॉपिक था वो कम्प्लीट हुआ। थैंक यू।